वोकेबलरी को याद करने का आसान तरीका है रूट वर्ड्स। किसी भी वर्ड में साइड आपको नजर आ जाए वर्ड, तो समझ लेना इसका मतलब है किलिंग या मर्डर के साथ कत्ल करना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई किलिंग ऑफ ह्यूमन काइंड यानी नस्ल के बुनियाद के इंसान जात का कत्ल करने वाले को क्या कहा जाता है, तो आपने कहना है जेनोसाइड कहा जाता है। तो जीन तो रेस को कहा जाता है, नस्ल को, साइड का मतलब है किल करना। तो साइड कहीं भी नजर आए तो समझ लेना ये मर्डर के साथ है। किलिंग ऑफ वाइफ, अगर वाइफ का कत्ल किया जाए उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अक्सोरोसाइट। उसके बाद किलिंग ऑफ हस्बैंड, तो उसको मैट्रिसाइड कहा जाता है। किलिंग ऑफ सिस्टर, उसको सॉररीसाइड कहा जाता है। ये लेटिन वर्ड है, सॉरोरो कहते हैं सिस्टर को, साइड कहते हैं कत्ल करने को। किलिंग ऑफ ब्रदर, उसको फ्रेटरीसाइड कहा जाता है। फ्रेटरी जो है ये लेटिन वर्ड है, इसका मतलब है ब्रदर, साइड मतलब किल करना। किलिंग ऑफ मदर, मैट्रिसाइड, इसको भी यही कहा जाता है, हस्बैंड और मदर के लिए एक ही वर्ड है मैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ फादर, उसको पैट्रिसाइड कहा जाता है, पैट्री फादर है, लैटिन वर्ड में साइड का मतलब है किल करना। किलिंग ऑफ सन, फिलीसाइड कहा जाता है, फिली लैटिन वर्ड में सन को कहा जाता है, साइड कत्ल को। किलिंग ऑफ डॉटर, उसके लिए भी फिलीसाइड कहा जाता है। किलिंग समवन इलीगली, मजहब के बुनियाद पे लिंच कहा जाता है, जैसे फैसलाबाद में श्रीलंकन मैनेजर को लिंच किया गया, मोब ने इलीगली कत्ल किया गया। किलिंग ऑफ एन एल्डर, उसको सेनी साइड कहा जाता है, सेनी ओल्ड एल्डर, साइड कहते हैं कत्ल को। ये आसान तरीका है वोकेबलरी को याद करने का, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में मौजूद है।